calculate machine learning using data point of view. Yes, the students have to go in class of mathematics. I can also be the loss of queries from the previous exam in theorem number 10. Theorem number 10.1. 1.3 जो है वो सॉल्व किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जी. तो हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है. कहता है कि दिस ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल्स बनी हुई है ठीक है. इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें फिगर इन द फिगर इन दिस फिगर हमारे पास जो जो कॉमन है वो बता दिए प्रूफ करना पड़े. हम डायरेक्ट उसका सोल्यूशन देखते हैं. तो गिवन डेटा गिवन आपके पास क्या क्या चीज़ है. कहते हैं ए बी जो है वो इक्वल है आपके पास लाइन सेगमेंट बी सी ठीक है. ये चीज़ उसने जो है वो बता दी है इन द क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर जो है वो बता दी ठीक है. उसके बाद आपको उसने बता दिया कि ए बी जो है वो आपके पास इक्वल है लाइन सेगमेंट ऑफ बी सी ठीक है. ये दोनों आपके पास साइड लिखो. फिर उसको कहता है कि प्रूफ करें. प्रूफ हमने क्या करना है वो ये करना है हमने कि हमारे पास जो एंगल ए है वो अप्रॉक्सीमेटली है एंगल ऑफ सी ठीक है. और हमने दूसरा ठीक है. तो दूसरा वो कहता है कि एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल ए डी सी ठीक है बेटा. अब समझ आए ना कि इन तीनों जो वैल्यूज हैं इन पर का इनके जो तीनों पॉइंट हैं वहाँ पर एंगल बन रहे हैं जो रकम मेट पर लिखे हुए यानी कि डी और बी पर जो एंगल बन रहा है ये आपस में क्या है आपके पास सेम है ठीक है. तो बेटा देखते हैं जब हमारे पास जो है वो क्या आता है जी. अब हमने जो है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन तो हमने कुछ भी नहीं कहते हैं जी के अंदर लिखते हैं प्रूफ और स्टेटमेंट्स ठीक है. प्रूफ हमारे पास जो है वो दो चीज़ें पर मुश्तमिल होता है. एक आपके पास स्टेटमेंट रीजन ठीक है बेटा. ये स्टेटमेंट सबसे पहले हमें अंदर गिवन डेटा हम बता दी है. दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास. ट्राइंगल्स हैं जी ट्राइंगल आपके पास देख लें कि ट्राइंगल्स बने हुए हैं. एक है सी डी बी डब्ल्यू डी सी एक है ए बी डी या बी डी सी या डी ए बी. तो तीनों वर्ड हैं कि जिस तरह मीन ठीक है. मीन बताने का ही है कि ये ट्राइंगल बी ए डी ए बी और एक है सी डी सी बी ठीक है. ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास जो आपके पास ठीक है. ये दोनों आपस में क्या कॉम्पोनेंट्स हैं ठीक है. दोनों एक जैसे ठीक ठीक हैं. दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं. ट्राइंगल ए बी सी कॉम्पोनेंट हैं आपके पास ठीक है. कॉन्ग्रेंट है आपके पास ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी ठीक है बेटा बी सी डी. तो हमारे पास इन दोनों में क्या क्या कॉमन है गिवन डेटा में देखें. गिवन डेटा में हमारे पास उसको बता दिया है एक ट्रायंगल की ए बी साइड वो बराबर है दूसरी ट्रायंगल की डी सी साइड के ठीक है. उसने दूसरी चीज़ उसको बता दी कि ए डी जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बी डी. ये दो चीज़ें हमें गिवन डेटा में क्वेश्चन वाले ने बता दिए. कहाँ से आएंगे जी गिवन बता दिए हमने. ये गिवन डेटा है हमारे पास जी. अब हमारे पास अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर जो बेटा बी डी साइड है बी और डी ये दोनों साइडें दोनों ट्राई ये साइड दोनों ट्राइंगल के साथ है और बिल्कुल एक जैसा है. मीन बी डी कॉमन साइड है तो ये भी आपके पास क्या होगी इक्वल होगी. तो बी डी साइड ऑफ ट्राइंगल साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी एंड बी डी ऑल्सो साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ बी सी ये तो ये बहुत हारी को जी हमारे पास क्या है कॉमन है. अब हम चलते हैं आगे जी. अब हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गए. तो तीनों जब साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो ट्राइंगल ए बी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल बी सी और
ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है बेटा, ये डी है। तो अब हमारे पास इक्वल आ गए, पॉस्टुलेट कैसे लगा कि कैसे इक्वल ना, ये क्योंकि इसकी तीनों जो साइडें हैं वो आपस में इक्वल आ गई हैं। अगर दो ट्राइंगल की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है बेटा। अगर दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो जाहिर है उनके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल आपके पास जो था ए था हमारे पास, ठीक है, एंगल हमारे पास कौन सा था, ए। एंगल ए जो है वो आपके पास एंगल सी के जो है वो इक्वल होगा, एंगल ए पे सी के जो है वो इक्वल होगा आपके पास, क्योंकि वो ट्राइंगल बोथ साइड का। अब हमने बताना है कि जो बी पर एंगल बन रहा है, जैसे बी पर जो एंगल बन रहा है वो आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है, क्या वो सेम है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि अब हमारे पास कुछ करते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को नाम दे देते हैं वन, ठीक है बेटा, इस एंगल को हम नाम देते हैं टू का, इसको हम दे देते हैं थ्री का, और इसको दे देते हैं फोर का। अब हमारे पास ओपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टिंग एंगल होते हैं, तो बेटा ट्रांसपोर्टिंग ये चीज़ होती है, ठीक है, ये जो आप कहते हैं ना क्रॉस, ये ट्रांसपोर्टिंग होती है, ये लाइन ट्रांसपोर्टिंग है, ये ट्रांसपोर्टिंग है, ठीक है बेटा। तो अब ये ट्रांसपोर्टिंग लाइन कौन सी है, वन का वन जो एंगल है वो फोर के इक्वल है, और टू है वो थ्री के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल जो वन है वो आपके पास इक्वल है एंगल एंगल इसके जी थ्री के, ठीक है बेटा, और एंगल टू जो है वो इक्वल है एंगल, ऐसे ही था, देख एक मिनट देख लेते हैं वहाँ पर क्या था, जी नहीं, एंगल वन जो है वो फोर के इक्वल, एंगल वन किसके इक्वल है, फोर के, इसको रिमूव कर देते हैं, आपके पास ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंगल है ना, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये वाले आपस में इक्वल हुए और ये वाले आपस में इक्वल। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दो एंगल, अब आपको बेटा पता है कि आपके पास जो टोटल एंगल होता है इस तरह से, वो आपके पास जो है ना वो नीचे वाला, अब जब देखें वन और फोर, वन फोर के इक्वल है और टू थ्री के इक्वल है, तो मीन इनका जो सम होगा एंगल वन तो इकट्ठे हैं, एंगल वन और एंगल टू इकट्ठे हैं, तो ये इसका जो सम होगा वो निचले वाले एंगल के सम के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, वन टू के साथ कॉन्ग्रेंट है, टू थ्री के साथ कॉन्ग्रेंट है, मीन बोथ आर सेम, ठीक है। तो अगर वन और टू एंगल कॉमन है तो इन पर मिलने वाला एंगल भी कॉमन होगा, मीन एंगल बी आपके पास एंगल जो बना है ए डी सी पर, एल बी डी पर जो एंगल बना है, ए डी सी ए बी सी ट्राइंगल में डी पर जो एंगल बनना है वो एंगल इक्वल होगा अप्रॉक्सीमेटली किसके लिए, जो एंगल बनना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी पर, यानी कि तो ए बी सी ट्राइंगल पर डी पर जो है वो एंगल बनना, तो हमें यही जो है ना वो प्रूफ करना था कि वो हर एंगल आर सेम, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया कि दोनों एंगल सेम, ये दो चीज़ें आपने प्रूफ करेंगे, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब हम टू टू करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, कोशिश ये करें कि बुक जो है वो अपने पास रखा करें, ठीक है, जब जो है ना आप लेक्चर ले रहे होते हैं, ठीक है, स्पेशल थ्योरम वाला थ्योरम वाला, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज जरा और से देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है, करके फिगर ड्रा करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हमने फिगर जो है वो ड्रा कर ली है, जी, वो कहता है द गिवन फिगर, हमारे पास एल और एन साइड पर उसको गिवन डेटा, ठीक है, गिवन L N side segment equal है M, ठीक है, and M N side equal है approximately आपके पास L P, ठीक है बेटा। हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो देखते हैं, टू प्रूफ हम प्रूफ देखते हैं जी, N एंगल पर एन पर एंगल बनने वाला इक्वल होना चाहिए एंगल जो पी पर बन रहा है, और दूसरा हमारे पास ये ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक एल एन और एम है और एक एल पी और एम है, ठीक है। तो एल एन एम एल यानी ये एन एल और एम जो है ये जो ट्राइंगल है, इस पर जो एम पर बनने वाला ट्राइंगल है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए पी एंगल ऑफ पी एल एम के, ठीक है,
यानी कि इस फिगर में ये जो आपका ट्राइंगल है इसके अंदर जो एल पर एंगल बन रहा है और ये जो ट्राइंगल है इस पर जो एम पर एंगल बन रहा है ये बोथ आर क्या होने चाहिए आपके पास सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अभी अभी जो है इसको प्रूफ करते हैं क्या वाकई ये हमारे पास सिंपल आएंगे या हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स मैंने आपको बता दिए, एक है हमारे पास ट्राइंगल LMP, ठीक है LMP और ये कंपोनेंट है उस ट्राइंगल M, ट्राइंगल जो है वो हमारे पास है MN, ठीक है ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए। अब हमने जो है इन दोनों में सबसे पहले चीज देख लेनी है आपने, आपके पास इन द गिवन डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ काम होती है ट्राइंगल्स, एक की एल एन साइड और दूसरी की एम पी साइड, ये हमारे पास क्या थी कॉमन थी, हमारे पास कहाँ से आया थी गिवन से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थी, दूसरी हमारे पास साइड थी एम एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एल पी के साथ, ठीक है तो ये भी हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है गिवन डेटा से आया है ये भी हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है देखिए, अब देखिए यहाँ ये जो एल एम साइड है ये इस ट्राइंगल के साथ भी है और इस ट्राइंगल के साथ भी है, ठीक है ये जो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है और इसके साथ भी है, ये दोनों में क्या है कॉमन है, ठीक है एम 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 पी एम वाले में भी और एन एम वाले में ये बोथ आर बोथ लाइन जो है वो कॉमन है, तीन आपके पास जो है लाइन एल एन एल एम लाइन साइड अब जो है आप देखिए हमारे पास तीन साइड इक्वल आ गई, जब तीन साइड इक्वल आ जाती है अब आपके पास ये ट्राइंगल जो है वो एल एम बी इक्वल है अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगल हमारे पास इसकी तीनों साइडें क्या आ गई इक्वल आ गई दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड पे, ठीक है और हमारे पास ट्राइंगल प्रूफ हो गई। अब हमने क्या है कि अब जब देखें आपके पास पूरी ट्राइंगल जो है, ठीक है पूरी ट्राइंगल जो है वो जब आपके पास सेम है तो आपके पास जो एन पर बनने वाला एंगल है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ पी के, ठीक है और क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रेंस एंगल है कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल है। रीजन क्या है इसकी कॉन्ग्रेंस क्या होते हैं सेम साइज सेम से, ठीक है कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल एंड सेम एंगल्स ट्राइंगल, ठीक है दूसरा हमारे पास जो बनना था एन एम एल अप्रोक्सीमेटली एंगल इक्वल है एंगल पी एल एम के, ठीक है तो ये भी आपके पास क्या है इक्वल है, तो ये भी हमारे पास इसकी वजह भी क्या है कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस एक मीडियम से जो है हम क्या करते हैं बाइसेक्ट कर देते हैं दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं एंड वर्टेक्स एंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू द बेस, इसका जो वर्टेक्स एंगल है ये जो एंगल है हमारे पास इस पर हम एक परपेंडिकुलर जो एंगल ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा आपके बेस के, तो हमने से एक लाइन ड्रा कर ली जो डी पर डी तक आ गया, ठीक है ये हमने ड्रा कर ली इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ये आइसोसेलस ट्रायंगल के दो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास क्या थी सेम थी, ठीक है तो ये वाली साइड आपके पास सेम थी तो
अब आपके पास आइसोसेलेस में खुद बताया ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल के बेटा जिसमें दो साइड्स आपके पास सेम होंगी, ठीक है। तो अब हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, उसका योग कहते हैं कि जो बाइसेक्ट हमने किया है यहाँ से, ये परपेंडिकुलर होगा बेस है ए और सी पर, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर दी जो डी पर आ जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर के लाइन। अब हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो गिवन है कि ए बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ए सी के, सॉरी बी सी के, क्योंकि ये आपके पास आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है। अब बी डी को जब हमने बाइसेक्ट किया है, बी और डी से हमने जब बाइसेक्ट किया है, दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उस वक्त बेटा आपके पास जो ए और डी है, यानी कि ये और ये, ये दोनों आपके पास क्या होगी सेम है। ए सी पर जब आपको परपेंडिकुलर है ना आपने, तो आप ए सी पर जब परपेंडिकुलर हमने किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, ठीक है, आपने बी को, तो ये जब ये दोनों इक्वल साइड थी बिल्कुल, ये वाली साइड ये वाली साइड, तो ये मिड में थी इसके, जब हमने यहाँ इसको मिड में से बाइसेक्ट किया, तो ए और डी और बी, डी और सी आपस में क्या होगी इक्वल आ जाएगा, ए और डी आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे डी और बेटा सी, ठीक है जी। दो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ गई, और हमने अब प्रूफ क्या करना है जी, प्रूफ हमने क्या करना है जी, प्रूफ ये करना है, प्रूफ हमने क्या करना है, कहता है कि एंगल ऑफ सी बी यानी कि वर्टेक्स एंगल सी बी और डी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑफ ए बी डी के, जो हमने एंगल बाइसेक्ट किया ना ये वाला, इसके दो हिस्सों में तकसीम हो गए थे सेंटर, क्या ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हैं या नहीं है, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी हम इस तरह के इस तरह एंगल लिखते हैं, तो एंगल का पॉइंट जो होता है वो कौन सा होता है, मिड वाला, तो मिड वाला क्या है बी है, बस ये ट्राइंगल आपके पास ए डी बी है, और ये आपके पास ट्राइंगल डी 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 सी है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ये हमें प्रूफ करना है, उसके अलावा हमें क्या प्रूफ करना है, जो बी डी है, ठीक है, ये बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर ए सी, ये प्रूफ करना है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, तीसरा हमें प्रूफ करना है कि जो डी पर एंगल बन रहा है, यानी कि एंगल ए डी बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल बी डी सी के, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल आपके पास क्या है इक्वल्स है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ और स्टेटमेंट्स की तरफ, ठीक है जी। अब हमने जो है वो प्रूफ और स्टेटमेंट लिखने हैं, स्टेटमेंट प्रूफ कहते हैं जी। अब आपके पास प्रूफ जो है वो दो चीज़ों पर मुश्किल होता है, वो है स्टेटमेंट जी बेटा। सबसे पहले हम गिवन डेटा में जो चीज़ें हैं वही हम लिख करते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल एक है, हम एक ट्राइंगल को नाम देंगे ए बी डी ए बी और डी, और ये कॉम्पोनेंट है आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल सी दूसरी चीज जो हमारे पास कॉमन है वो आप बता दिए कि ए डी जो लाइन है वो दोनों में ए डी, ठीक है, वाइस जो है वो आपके पास नाइन सेगमेंट जो है ए डी और डी डी सी, ये लाइन बोथ ट्राइंगल्स की आपस में क्या है कॉमन है, ठीक है। तो ये भी गिवन डेटा था, अब हम तीसरी लाइन देखते हैं, तीसरी लाइन बेटा बहुत ही आसान है, देखिए बी और डी जो लाइन है, ठीक है, बी और डी जो लाइन है, ठीक है, बी और डी, अब ये इस ट्राइंगल के साथ भी है और इसके साथ भी कॉमन है, ठीक है, कॉमन भी हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास बी डी आपके पास
देखिए देखिए क्या नाम है जी सीबीडी। ठीक है बताइए आपस में क्या होगा, इक्वल आ गया क्यों इक्वल आई क्योंकि क्यों दोनों एंगल्स की जो आपस में साइडें हैं वो आपस में क्या हो गई इक्वल आ गई, ये पास्टुलेट आ गया आपका साइड बाय साइड बाय साइड। ठीक है अब आपके पास जब ये इक्वल आ गई आपके पास जो ए बी डी एंगल है साइड सारी इक्वल है एंगल ऑफ ए बी डी। ठीक है जो बी पर आपके पास एंगल होगा ठीक है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आपके पास एंगल सी बी डी के सी बी डी। ठीक है बैक क्यों देखें अब आपके पास जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जब सारे ये भी साइड इक्वल ये भी इक्वल ये भी इक्वल ये भी इक्वल तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ठीक है वो आपस में क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ठीक है जिसमें हमें इस तरह लिखाएंगे क्या लिखे हम लोगों ने ए बी डी और सी डी बी तो ये आपके पास इक्वल आ गया। ठीक है बेटा अब हम देखते हैं आगे कि हमें पहली चीज़ क्या प्रूव करनी थी कि जो डी पर ट्रायंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल है ये देखें ये हमारे पास क्या हो गई प्रूफ। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है अब ये अगर हमारे पास प्रूफ हो गया अगर हम देखें ठीक है ये ए बी डी पर एंगल है सी डी बी के सी बी डी के। ठीक है तो अब हमारे पास एंगल ऑफ ए डी बी यानी कि जो एंगल बन ट्राइंगल में जो डी पर एंगल बन रहा है और दूसरी ट्राइंगल में भी जो डी पर एंगल बन रहा है वो है सी डी बी ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे और उसकी वजह क्या है आपके पास उसकी वजह थी ट्रांसपोर्डिंग एंगल। ठीक है क्योंकि साइड से कहते हैं इसकी वजह भी ट्रांसपोर्डिंग एंगल क्रॉस इसकी वजह जो है वो यही है। ठीक है ट्रांसपोर्टिंग जी अब आपके पास अब आपका ये ट्रांसपोर्टिंग एंगल है। ठीक है यहाँ पे ये देख लेते हैं अब आपको पता है इस पर एंगल बनने वाले इस पर एंगल बनने वाले दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है इक्वल का साइन आ गया तो मीन और ये पूरी रोटेशन ये कहलाती है 180 यानी इस एंगल को इस एंगल को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है 180 ये तो आपको पता ही है ना। ठीक है तो हमने देखना है अब ये हमारे पास दूसरी चीज़ तो प्रूव हो गई कि डी पर जो एंगल है वो क्या हो गए सेम हो गए। अब हमने परपेंडिकुलर बताना है कि क्या परपेंडिकुलर सेम है यानी अगर दोनों के एंगल्स आपस में इक्वल यानी कि ए बी बी इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल था सी डी बी के तो मीन अगर हम इनको प्लस करें सी डी बी को तो इक्वल क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है अब ये किसकी इक्वल आ गया 180 के। ठीक है अब आप देखें तो उसे कि आपके पास हमने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है इक्वल ये एंगल और आपस में क्या इक्वल है। अब मैं एक ऐसा लिखता हूँ कि बड़ा सही लिखता हूँ तो एक छोटा। ठीक है तो आपके पास जो है जी बेटा ये आपके पास अगर ये थ्री और थ्री मैंने लिखा ठीक है क्या आपको इस तरह का। ठीक है तो अब इन दोनों थ्री को मैंने प्लस करना ठीक है थ्री प्लस थ्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन्हें छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं इसको इसके ऊपर इतने जैसा लिख दूं या इसको इतने जैसा लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो सेम ऐसे ही है कि अब दो चीज़ें अगर इक्वल आ जाती हैं उनको जैसा भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे कि ए डी बी इक्वल सी डी बी को हम लिख सकते हैं ईजीली एंगल ऑफ ए डी बी हम लिख सकते हैं ना। ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखें सी डी बी किसकी इक्वल है ए डी बी के तो सी डी बी की वैल्यू ए डी बी की हम यहाँ लगा दूँ बस। ठीक है तो 180 आ जाए। ठीक है बेटा अब हमने इनको प्लस कर लेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं तो टू ए बी डी बन जाएगा इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री टू को बोथ साइड में क्या कर देंगे डिवाइड। अब आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ ए डी बी और ये टू से कैंसिल टू वन टाइम देन टू नाइन टाइम एटीन जीरो तो मीन आपके पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपको पता है कि 90 डिग्री जब डी पर आ गया है ये एंगल किस पर आया है डी पर क्योंकि मिड वाला है ना वेरिएबल पर या पॉइंट पर जो है एंगल आप कंसिडर वगैरह होता है जब हम इस तरह। ठीक है
तो 90 डिग्री का ये जो एंगल आया है आपके पास, 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है, और ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो मीन इसका डी पर अगर हमारे पास राइट एंगल 90 डिग्री आ गया है, तो मतलब है कि बी डी जो है, जो बी डी लाइन सेगमेंट थी वो परपेंडिकुलर होगा ए सी जो लाइन सेगमेंट थी उस पर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रूफ हो गया कि ये भी परपेंडिकुलर है, तो हेंस प्रूफ दैट हमने जो है ना इसको प्रूफ कर दिया। तो अब हमारे पास जो है ना इस एक्सरसाइज का एंड हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस।